तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है लायर लायर। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये जो दुनिया है वो चारों तरफ से रेस से भरी पड़ी है। चाहे वो स्कूल में टेस्ट की रैंकिंग हो या फिर रेस्टोरेंट में स्टार की रैंकिंग, इस दुनिया में सभी लोगों को एक रैंकिंग दे दी जाए तो आखिर मैं कौन सी जगह पर रहूंगा। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं किसी भी बॉटम लिस्ट में तो हरगिज नहीं रहूंगा और ना ही टॉप लिस्ट में रहूंगा। शायद 100 मिलियन लोगों में से 900 मिलियन लोगों में से एक तो रह ही जाऊंगा। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें वह बताने लगता है कि मैं एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ जिसमें कि हमारे ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव की जगह ले ली है और उसका नाम है सिनोहारा हिरोतो। तभी हिरोतो अपने मन में बोलता है कि मैं इन रैंक्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेने वाला और यहाँ तक कि इस दुनिया में हम जितने भी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं वो सब एक झूठ है। मैं हूँ तुम्हारा न्यू 7 स्टार। आने वाले 2 सालों तक मैं तुम्हारे ऊपर राज करने वाला हूँ। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो मुझसे आकर फाइट कर सकता है, पर मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूँ, मैं जो अपने स्टार हैं वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। अगर तुम लोग इस बात को नहीं समझ पाए तो तुम लोग मुझसे आकर फाइट कर सकते हो, पर मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंदते हुए तुम्हारी बेइज्जती उड़ाऊंगा। मैं इस आइलैंड एकेडमी का टॉप रैंकर हूँ। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, बेशक यह सब एक झूठ है। फिर हमें बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जिधर हिरोतो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और घबराहट में पता नहीं उसने क्या नाप सनाप बोल दिया होता है। और तभी वो अपने फोन को चेक करता है जिसमें काफी सारे लोगों ने उसको अनाप सनाप बोला होता है। और फिर हमें साइलेंट एकेडमी के बारे में बताया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट लैब को सपोर्ट करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और इन सभी चीजों को प्रोवाइड कराने वाली है जापान की लीडिंग कंपनी सायोजेनिक कॉर्पोरेशन। उनकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। वो लोग गेम खेल कर सामने वाले अपोनेंट को हरा कर उनके स्टार कलेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए उनको 7 स्टार कलेक्ट करने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो हीरो तो होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर जो है 7 स्टार नहीं बनना है। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो तो अपना रास्ता भूल चुका था, यहाँ तक कि उसको मैप देख कर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से काफी ज्यादा क्यूट सी एक लड़की आती। उस लड़की को देखने के बाद हीरो तो एकदम से हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोलने लग जाता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर हीरो तो उस लड़की को देखे जा रहा होता है जिस पर वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें कोई काम है। और यहाँ पे हीरो तो उसे बताता है कि वो पिछले दिन ही यहाँ पे आया था और इस वजह से वो यहाँ पे गुम हो चुका है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं एनमी अकेडमी में कैसे जा सकता हूँ। यह सुन के वो लड़की बताती है कि एनमी अकेडमी तो 4th डिस्ट्रिक्ट में है, फाइनली यह तो 3rd डिस्ट्रिक्ट है। और यह सुनने के बाद हीरो तो एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो लड़की बताती है कि वो भी 2nd ईयर में है जिसकी वजह से वो दोनों एक ही एज के हुए। यह सुनने के बाद हीरो तो एकदम से हैरान हो जाता है, आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं भी 2nd ईयर में हूँ। यह सुनने के बाद वो लड़की बताने लग जाती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी डिवाइस की मदद से तुम किसी की भी लोकेशन निकाल सकते हो अगर सामने वाला कोई भी बंदा तुमसे कम रैंक का होता है तो। यह सुनने के बाद हीरो तो एकदम से हैरान हो जाता है जिस पर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता क्योंकि इन सब चीजों के बारे में तो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। यह सुनने के बाद हीरो बताता है कि उसने स्टार्टिंग के सभी ट्यूटोरियल्स मिस कर दिए थे। ये सुन के वो लड़की हंसने लग जाती है और फिर वो हीरोतो को डिवाइस के बारे में बताने लगती है, कैसे इस डिवाइस के अंदर अपना खुद का एक सोशल मीडिया है और तुम इस ऐप की मदद से फिर किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। फिर वो लड़की हीरोतो को 4th डिस्ट्रिक्ट में ले जाने का ऑफर करती है क्योंकि जो हीरोतो है वो मैप रीडिंग में काफी ज्यादा बेकार है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हीरोतो है वो उसको ऑफर को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लोग जा रहे होते हैं तब हीरोतो बताता है कि वो अभी ओरिएंटेशन सेरेमनी के लिए जा रहा होता है लेकिन अब वो लेट हो जाएगा। और ये सुनती है उस लड़की को भी याद आता है कि उसको भी ओरिएंटेशन सेरेमनी में स्पीच देने के लिए जाना है और फिर वो हीरोतो को बाय बोलते हुए वहां से जाने लग जाती है। जैसे ही वो लड़की अपना कदम आगे बढ़ाती है कि एक पानी का फव्वारा उसे पूरा का पूरा गीला कर देता है। वहां पे एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो लड़की बोलती है कि क्या यह महज एक संयोग था या फिर तुमने इसको प्लान किया था। यह सुनने के बाद हीरो तो भी एकदम से हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, हाँ बेशक यह महज एक संयोग था। पर वो लड़की हीरो तो की बिल्कुल भी बात मानने को तैयार नहीं होती है और बोलने लग जाती है कि यह काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि तुम अपने एकेडमी के पहले दिन ही गुम हो चुके हो, यहाँ तक कि तुमको अपने डिवाइस के बारे में भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। और वो हीरो पर शक करने लग जाती है कि उसने ये सब कुछ प्लान किया था उसे एम्बेरस करने के लिए और फिर उसका एडवांटेज लेने के लिए। पर लेकिन तभी जो हीरो तो है वो गलती से कुछ गलत जगह पे देख लेता है और ये
ये देखने के बाद वो जो लड़की है वो हीरो को एक गेम में चैलेंज कर देती है। अंत में हीरो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता और उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो लड़की कहती है तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे हायर लेवल की हूँ, इसलिए मैं तुमको चैलेंज भी कर सकती हूँ। और जो हीरो है वो कोई ना कोई गलती से बटन प्रेस करके उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। डैम, जैसे ही वो लड़की चैल क्वेस्ट को देखती है तो उसमें कोई भी गेम मेंशन नहीं होता। इस वजह से वो और भी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि हीरो तो उसको कोई भी गेम में हरा देगा। और यहाँ पर हीरो तो को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि ये सब कुछ वो पहली बार कर रहा है। फिर वो लड़की कहने लग जाती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किसी भी गेम में आसानी से बीट कर सकते हो? फिर वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और स्टेयरिंग मोड को ऑन कर देती है और फिर वो कॉन्टेस्ट के रूल्स बताती है। यहाँ पे जो उनके इमोशंस है उनको डिटेक्ट किया जाएगा। उन दोनों में से पहले कोई भी इमोशंस करता है तो वो फौरन हार जाएगा। और फिर जो हीरो तो है वो बोलता है चलो गेम को स्टार्ट करते हैं, परंतु वो लड़की पूछती है क्या तुम श्योर हो क्योंकि तुमने अभी कोई भी एबिलिटी नहीं चुनी है। पर हीरो तो उसको ये बोलता था कि इसको एबिलिटी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनने के बाद उस लड़की का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो अपनी एबिलिटी भी यूज कर लेती है पर जैसे गेम शुरू होता है तो वो हीरोतो की टाइमिंग को टेंथ कर देती है, जिससे शुरुआत होती है हीरोतो की टाइमिंग खत्म हो जाती है और तभी चांस आती है उस लड़की की। वो लड़की कहती है शायद तुम्हें भागना चाहिए, फिर वो एकदम से एक शॉट को क्रिएट कर लेती है और हीरोतो पर अटैक करना शुरू कर देती है, परंतु हीरोतो उसके सभी अटैक को डॉज किया जा रहा होता है। नोटिस करता है कि उसके आसपास कई सारे स्टूडेंट आ चुके होते हैं उनका फाइट देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं आखिर ये एम्प्रेस यहाँ पर क्या कर रही है। वो जो लड़की है वो सोच रही होती है कि उसके जो कपड़े हैं वो धीमे में सूख रहे होते हैं, इसका मतलब उसे गीले कपड़ों के साथ ओरिएंटेशन में नहीं जाना पड़ेगा। पर अचानक से एकदम से फिर से पानी आता है, वो फिर से पूरी की पूरी गीली हो जाती है। तभी वो सोचने लग जाती है कि आज के दिन तो उसे ओरिएंटेशन में भी जाना था और सभी लोगों के सामने एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए स्पीच देना था, पर यहाँ पे वो पूरी की पूरी भीगी हुई है और सभी ने उसको इस हालत में देख लिया है। इस बारे में सोचते ही वो एकदम से शर्मा जाती है और उसी मोमेंट पे वो हार जाती है और उसका नाम था सायुंची सारा।